खाद्य तेलों के बढ़ते दामों ने सच में सभी को हैरान कर दिया है। लगातार बढ़ते दामों की वजह से खाद्य तेल रसोई से गायब होने की कगार पर है। आज हम जानेंगे कि इन खाद्य तेल के बढ़ते दामों के पीछे क्या कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमनदीप, वेलकम टू माय चैनल RD पर। अगर बात खाद्य तेलों के बढ़ते दामों की करें तो इसमें कई परतें खुल के सामने आती है। बात करेंगे एक के बाद एक की। सबसे पहले अगर हम अपने देश के अंदर की बात करें तो हमारे यहाँ डिमांड के कंपैरिजन में तिलहन फसलों की पैदावार काफ़ी कम है। बाकी अनाज और दलहन के मामले में हम काफ़ी स्टेबल है, परंतु खाद्य तेल का हमें अभी भी काफ़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। आपको यह क्लियर कर दें कि तिलहन फसलों में हमारी सरसों, सोयाबीन, पाम, सूरजमुखी और मूंगफली आदि की फसलें शामिल है जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं बढ़ते दामों के दूसरे कारणों की। एक तो यह है कि दुनिया भर में खाद्य तेल के दामों के बदलावों ने भारत पर काफ़ी असर डाला है। भारत की 60% खाद्य तेल की मांग आयात पर निर्भर है तथा पाम ऑयल और क्रूड सोयाबीन तेल के दामों में पहले से ज़्यादा दामों की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने मेंशन किया है कि कुछ खाद्य तेलों का स्टॉक कांडला और मुंद्रा पोर्ट पर क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए रुका हुआ है। यह क्लियरेंस वेरियस एजेंसियों द्वारा कोविड सिचुएशन को देखते हुए टेस्ट करके दिया जाएगा। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने खाद्य तेल के बढ़ते दामों का सबसे बड़ा कारण आयात पर निर्भरता को बताया है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के बाहर बाकी देशों में खाद्य तेल की कमी है, परंतु जमाखोरी, कोविड टेस्ट इश्यूज, ट्रांसपोर्ट डिसरप्शंस आदि के कारण भी खाद्य तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।